कई बार हास्य कविताएं कमलेश जी ऐसे ही निकल आती हैं। मैं अपने जीवन की एक सच घटना बताऊं, पहले BSNL का मोबाइल होता था, बड़ी मुश्किल से सिम मिलता था, तो वो एक BSNL की सिम मैंने ले ली। इन दिनों BSNL का नेटवर्क गड़बड़ रहने लगा तो मैंने एक और सिम ले ली। पत्नी को भी BSNL की सिम दिलाई थी, तो पत्नी का तो आधा अधिकार होता है, अपने लिए कुछ लेके आओ तो उसके लिए भी लेके आओ, तो मैंने एक सिम उसके लिए भी जियो के लिए दी। अब मोबाइल में जब मैंने नंबर सेव किए तो पहले से उसका नाम था, वाइफ नाम से सेव कर रखा था, तो जब दो सिमें हो गई तो मैंने नंबर सेव कर लिया Wife 1, Wife 2। एक बार कैसे उसको मोबाइल दिख गया, तो जैसे उसमें डायल था, उसी का नंबर डायल किया था, तो उसमें डायल था Wife 2। सफाई देने की नौबत तो बाद में आई, पहले दवाई की नौबत आई। जिंदगी में इस तरह से कविताएं होती हैं। डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी हैं, ये बहुत शानदार कवि हैं। मैं डॉक्टर कमलेश द्विवेदी को आमंत्रित कर रहा हूं, उनके लिए किसी भूमिका की जरूरत नहीं है, अभी अमेरिका से लौटे, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं भी अमेरिका जाने की सोच रहा हूं, क्या खर्चा आ जाएगा? तो कमलेश जी ने मेरे मुंह की तरफ देखा, बोले कुछ भी नहीं, सोचने में क्या खर्चा। तो मेरी सोचने की भी औकात नहीं है। जोरदार तालियां बजाकर सबसे पहले प्रिय कुमार को बधाई देना चाहूंगा, उनके प्रयासों के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, नित प्रयास से कर रहे आशीर्वाद के रूप में, दो पंक्तियां मनोज के लिए, नित प्रयास से कर रहे कविता का विस्तार, नित प्रयास से कर रहे कविता का विस्तार, है प्रशस्त के इसलिए प्रिय मनोज हकदार। आइए, कानपुर में कार्यक्रम हो रहा है, कानपुर के नाम हो रहा है झाड़े रहो कलेक्टरगंज के नाम से। आप सबको मालूम है ये कहावत बहुत पहले की है, हटिया खुली बजाजा बंद, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। पूरी पंक्तियां ये हैं। कानपुर के बारे में हम आप सब सोच रहते हैं, यहाँ सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। मैंने एक बार विचार किया तो मुझे लगा कानपुर के तमाम मोहल्ले गंजों ने ही बसाए हैं। शुरू से विचार किया, पता लगा मुगल काल में एक नवाब साहब आए थे, गंजे थे, नवाब गंज की स्थापना कर गए। उनकी बेगम के बाल जब बिल्कुल झड़ गए, लगभग गंजी जैसी हो गई, तो उन्होंने बेगम गंज की स्थापना कर दी। नवाब साहब के एक साले साहब थे अनवर साहब, वो भी गंजे थे, उन्होंने अलग मोहल्ला अनवरगंज बसाया। फिर अंग्रेजों के काल में हम आते हैं, पता चलता है कलेक्टर साहब आए थे, गंजे थे, कलेक्टर गंज की स्थापना कर गए। एक जनरल साहब आए थे, गंजे थे, जनरल गंज की स्थापना कर गए। एक कर्नल साहब आए थे, गंजे थे, कर्नल गंज की स्थापना कर गए। आजादी के बाद सोचे तो पता चलता है जो लोग नए नए गंजे हुए, उन्होंने मिलकर नया गंज की स्थापना कर दी। और जहां हर जाति के गंजे रहते हैं उसे चमनगंज कहते हैं। जहां पैदाइशी यानी मूल रूप से गंजे पाए जाते हैं वो इलाका मूलगंज कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कानपुर से मेरा कितना गहरा नाता है। मैंने भाई श्रवण से कहा, श्रवण भाई आपको किस बात का रंज है? बोले मैं सोचता हूं मैं किस मोहल्ले में रहूं, आधा नया गंज है आधा मूलगंज है। ये शहर के बारे में एक छोटा सा शोध था, मैंने आपके साथ साझा किया। अभी मोबाइल और सिम की बात कर रहे थे, बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों की बात क्या कहूँ। चार पंक्तियां पहले देखें आज के बच्चों के बारे में। चार किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, चार किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। चार किताबें पढ़कर खुद को टॉप समझता है, मेरा बेटा खुद को मेरा बाप समझता है। इंटरनेट युग में भी अब तक जिसे न हम समझे, आज का बच्चा उसको अपने आप समझता है। आज का बच्चा, हमने सोचा मीठी यादों संग कुछ वक्त बिताएं, बेटे को भी अपनी शादी का कैसर दिखलाएं। देखें एक प्रसंग, हमने सोचा मीठी यादों संग कुछ वक्त बिताएं, बेटे को भी अपनी शादी का कैसर दिखलाएं। द्वार चार का डांस देखकर बेटा हुआ दीवाना, बोला मेरी शादी में भी आइटम गर्ल नचाना। द्वार चार का डांस देखकर बेटा हुआ दीवाना, बोला मेरी शादी में भी आइटम गर्ल नचाना। मैं बोला अरे बेवकूफ कितना कंफ्यूज हुआ है, जिसे आइटम गर्ल समझता तेरी सगी बुआ है।
जिसे आइटम गर्ल समझता तेरी सगी बुआ है। देखें बच्चों के बारे में, आज के बच्चे कल के बच्चे कैसे हो सकते हैं, कल्पना की ही संभावना देखें। बदल गई है लाइफ, कितनी बदल गई स्टाइल, एक बच्चे ने पैदा होते ही मांगा मोबाइल। बदल गई है लाइफ, कितनी बदल गई स्टाइल, एक बच्चे ने पैदा होते ही मांगा मोबाइल। सिस्टर बोली, बोलो बेटे मोबाइल क्यों लोगे, छोटे हो तुम उसे खिलौने जैसा ही खेलोगे, छोटे हो तुम उसे खिलौने जैसा ही खेलोगे। बच्चा बोला, छोटा हूं पर समझो नहीं नया हूं। बच्चा बोला, छोटा हूं पर समझो नहीं नया हूं। ईश्वर को मैसेज करना है, सकुशल पहुंच गया। ईश्वर को मैसेज करना है, सकुशल पहुंच गया हूं। इसीलिए जल्दी से कोई मोबाइल दिलवा दो, वरना इंटरनेट कैफे का मुझको पता बता दो। वहां नहीं करनी है चैटिंग, ना ही खेल करूंगा, यहां कुशल से पहुंच गया हूं ये ईमेल करूंगा, यहां कुशल से पहुंच गया हूं ये ईमेल करूंगा। मोबाइल हमारी आपकी जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है, देखें जिस सिम की बात कर रहे थे मैंने अपने रंग से की है। मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, इस रिश्ते में भी मोबाइल यानी पति ही पिस्ता। मोबाइल सिम जैसा लगता पति पत्नी का रिश्ता, इस रिश्ते में भी मोबाइल यानी पति ही पिस्ता। लाइफ टाइम सिम मिलता है पत्नी, लाइफ टाइम सिम मिलता है, कॉल चार्जेज हाई, जीवन भर रिचार्ज कराते रहना पड़ता है। लाइफ टाइम सिम मिलता है, कॉल चार्जेज हाई, जीवन भर रिचार्ज कराते रहना पड़ता भाई। है प्रीपेड नौकरी वाली, सर्विस वाली पत्नी मिल जाए समझ लीजिए प्रीपेड कनेक्शन, नो टेंशन। है प्रीपेड नौकरी वाली, मौज हमेशा करिए, हाउस वाइफ पोस्टपेड है, जीवन भर बिल भरिए, ऊपर से इसमें रहती है 24 घंटे रोमिंग। कहां जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, इतनी देर कहां लगा दी, ऊपर से इसमें रहती है 24 घंटे रोमिंग, ना ही कभी इनकमिंग फ्री है ना ही आउटगोइंग। और एक ही सिम पर निर्भर रहना कहां इजी है, और एक ही सिम पर निर्भर रहना कहां इजी है, जब जी चाहे तब कह देता वो नेटवर्क बिजी है। मोबाइल वालों ने इसका हल भी खोज निकाला, बना लिया है आज हैंडसेट डबल डबल सिम वाला, अपने जीवन में भी कितनी खुशहाली छा जाए अगर डबल सिम वाला सिस्टम लाइफ में आए। अपने जीवन में भी कितनी, अभी कह रहे थे मेरी वाइफ का नाम अनीता है, अनीता यहां भी है। अपने जीवन में भी कितनी खुशहाली छा जाए अगर डबल सिम वाला सिस्टम लाइफ में आ जाए। ये सब सुनकर पत्नी बोली, ज्यादा भाव बढ़े ना, पोस्ट पेड का बिल तो भर लो तब अगला सिम लेना, पोस्ट पेड का बिल तो भर लो तब अगला सिम लेना। तब से हूं साइलेंट मोड में, मौन हो गया, तब से हूं साइलेंट मोड में, वरना केस बढ़ेगा, सिम में जो आ गया वायरस मुझे हैंग कर देगा, सिम में जो आ गया वायरस मुझे हैंग कर देगा। सचमुच कितना खौफ हम सभी घर वाली से खाएं, कविता अच्छी लगने पर भी ताली बजा न पाए, कविता अच्छी लगने पर भी ताली बजा न पाए।